प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करो सब। आज मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया था, लेकिन आते ही पता नहीं मुझे क्या हो गए। आप बिना गवाही से वापस नहीं आएंगे आपके आमीन। कितने जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चला करते हैं? हम सब जानते हैं। कितने ये वाले पिछली मीटिंग में मौजूद थे? अपना हाथ खड़ा करो। जो नहीं आ पाए वो अपना हाथ खड़ा करो, जो नहीं थे इस मीटिंग में। अपनी बाइबल खोलो सब जन। मत्ती पुस्तक उसका 26 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर सब कहें आमीन। इसके बाद पढ़ेंगे लूका 23 उसकी 39 है। जब भी ओरिएंटल मीटिंग होगी आपकी बाइबल स्टडी होगी उस दिन। आमीन। जब भी आप वॉलंटियर मीटिंग के लिए आएंगे उस दिन अपनी कॉपी पेन अपना साथ लेके आना, क्योंकि जो आप यहां से भी लेके जाएंगे वो आपकी मदद करेगा। आमीन। लूका 23 उसकी 39 आयत से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? बस रुक जाओ। संडे को परमेश्वर ने क्या बताया था कि दो एक दोस्त दूसरे के घर जाते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 3 रोटियां दें क्योंकि मेरा दोस्त मेरे को लाया और मेरे को उन्हें देने कुछ भी नहीं है। किन्हें ने पढ़ा वचन संडे? पंजाबी ज्यादातर हिंदी में बात करते रोटी, सभी समझ आए। आमीन। लिखा एक दोस्त दूसरे जो कर गया उन्हें दरवाजा खटखटाया कि मैं 3 रोटियां दे क्योंकि मेरा दोस्त दूरों आया है। आप दोस्त सदी को मांग रहे हैं ये अपने अपने घर दे विच अंदरों की आवाज देती है। लेकिन बढ़िया बचन वाला कि मैं बिजी हूं, कहना मैं सो चुका, मेरे बालक मेरे नाल विसरे दे हैं, मैं सब कुछ समेट चुका पर मैं तेरे को नहीं आ सकता, सॉरी। पर लिखा उन्हें मंगना नहीं छड़िया, लिखा लज्जा छोड़कर परमेश्वर ने कहा मांगने के कारण उन्हें उसकी सारी जरूरत ने पूरा किया जो इन्हें मंगया सका। पहला इन्हें की किया इस दोस्त ने मना कर देता, कहना मैं नहीं आ सकता सॉरी मेनु दुख ना दे, पर परमेश्वर ने कहा कि इन्हें लज्जा छड़ गई यानी शर्म छड़ दी इन्हें, पर लगातार मंगन दे करके इस दोस्त ने इस दोस्त नु उठ के इस दोस्त नु खाना देना पड़ा। समझ आ रही सब? इंग्लिश बाइबल लिखा, इंग्लिश बाइबल लिखा कि पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त नु इस करके नहीं दिता, जरा अंदर सिगा उन्हें इस करके नहीं मंगन दिता कि वो दा दोस्त है, पर वो दे लगातार लज्जा छाट के मंगन दे करके उन्हें दिता। यीशु मसीह कह रहे हो कितने वचन पढ़ो लूका की पुस्तक पढ़ो सब जन बैठ जाओ। पांच आयत में लिखा था, उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे
क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उत्तर दे नहीं दे सकता। माइक को और सिंपल कर दो, क्लैप कर दो। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, यदि उसका मित्र होने पर भी वह उसके उसको उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ध्यान न समझो, मैं नहीं कह रहा है, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलन को कह रहे हैं कि एक दोस्त दूसरे को गया। एक पावरफुल वचन है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया, मेरे को बहुत सारी गल डिस्कस करनी है, लेकिन अगर आप गल समझ जाइए तो ब्लेस आप। आमीन। यीशु मसीह ने समझाया कि एक दोस्त दूसरे को गया, उन्हें दिता नहीं, अंदर मना करता, लेकिन उन्हें बार बार मंगन दे करके उन्हें देना पिया। फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कि जे एक दोस्त दूसरे नु दे सकता है तो परमेश्वर तुम्हें दे सकता है। इंग्लिश की बाइबल लिखा कि एक पहले दोस्त ने दूसरे नु इस करके नहीं दिता कि वह दोस्त है, बल्कि लगातार ओदे मंगन दे करके उन्हें दिता उन्हें। अब अड़ी आयत पढ़ी मत्ती दे विच, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, तो यीशु मसीह की होया बाइबल च लिखा, वह व्याकुल सीगा, ओदा पसीना लहू दे वांगू टपक रहा सीगा। आप लोगों को कहने की इतनी प्रेयर करते हो, कहते नहीं, क्यों? मेरी चिंता बहुत है। तुहाडी चिंता तुहाडी प्रॉब्लम नू ते शैतान दे आने वाले अटैक नू कदी घट नहीं कर सकती। आज मेरा दिल घबरा रहा, थोड़ा दिल घबराने अगर ती प्रेयर ना करो तो परीक्षा च पो गया अगले टाइम दे। दोबारा पढ़ो मती वाला पूरा, ध्यान ना समझो सब जन, मती 26। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं यहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। 40 आयत में पढ़ो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने की क्या कहते, जागते रहो कि तुम प्रार्थना करते रहो तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परमेश्वर ने कहा कि अगर तेन प्रॉब्लम होए तो तुम प्रार्थना ना करी। परमेश्वर ने कहा जागदा रहे ते प्रार्थना करता रहे।